कमल चंद है और मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान से। कल भी हम उनके साथ थे और आज भी सुबह करीब 11 बजे हम उनके साथ ही थे, देख रहे थे। तो आज सुबह देखा और बहुत सारे तादाद में और पुलिस खड़ी कर गई, क्योंकि कल भी कुछ और प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो कल के ये और तैयारी हो रही है कि हम क्या करेंगे। तो तीन चार चीजें मैं बताना चाहूंगा कि क्या हुआ वहां पर और क्या होना चाहिए था, किसकी गलती है। तो शायद हमारे साथियों ने बता ही दिया होगा, फिर भी अगर रिपीटेशन के तौर पे हो तो मुझे माफ कर लीजिएगा, मैंने सुना नहीं। तो जब आप देखेंगे घटनाक्रम, हमारे भाई ऑफकोर्स मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, सचिन मालिया को, उनके साथ मैं कभी काफ़ी 4-5 बार मैं जाकर के मिला हूँ। सबीरपुर घटना को लेकर के मैं उनसे भी बात चर्चा कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि मुझे सबीरपुर की जो घटना है वो कंटिन्यूसली मैं गांव जाकर के उनके साथ बातचीत करके मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इस पहला जो घटना थी कि ये तो पहली पहल की हमारे कमल वालिया को मारने की साजिश थी, और उसी क्रम में जिनकी जो शकल मिलती जुलती थी सचिन वालिया, तो वे कमल समझ करके उनकी हत्या की। तो ये बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये कमल वालिया है, मारो गोली मारो गोली मारो, इस तरह की आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये जानते हुए कि इस तरह की सेंसिटिव क्षेत्र है, पुलिस ने परमिशन दिया महाराणा जयंती मनाने की, और ये आश्वासन दिया कि ना कोई तलवार लेकर के आए ना कोई तमंचे लेकर के आए, लेकिन इसके विरुद्ध हजारों की संख्या में लोग आए, तलवार लहराते हुए आए, बकायदा पुलिस उनके आगे आ गई, पुलिस की गाड़ी बकायदा जा रही थी और उनके पीछे भी थी। तो ये एक क्रम है उस समय का। तो इसमें सरासर एक नजर आ रहा है कि यह पुलिस की मिली भगत है। एक दूसरा कि जब शाम को 8 बजे, उसके घटना घटने के पहले शाम को 8 बजे जब वो वीडियो आती है उपदेश राणा की, कि धमकी दिया जाएगा, कौन है ऐसा भीम जो भीमसेना के जो भी हैं, तो वो जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको रोक देंगे, या तो जिन्होंने मना करा है कि हम यहाँ अपनी जो जयंती है वो ना मनाए, तो उसको किसकी ये हिम्मत है। वो सरासर एकदम टारगेट किए हैं कमल वालिया को, क्योंकि कमल वालिया ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये जयंती ना मनाई जाए, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव एरिया है। तो और उसी वीडियो को उसी समय जैसे उनको मिला, वो एसपी को दिए, भेजे उन्होंने एसएसपी को, और एसपी सिटी को दिए, डीएम के पास गया, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, और उन्होंने सुरक्षा की भी मांग करी थी, तब भी उन्होंने कोई सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया। तो इस पे एक सरासर उनकी एक पुलिस की भागीदारी है। दूसरा, जब शाम के टाइम सुबह में घटना घटी, जिस दिन 9 तारीख को सुबह में एक फोन आती है एसपी से, एसएसपी से कमल वालिया को, और वो उनको बताते हैं क्या तुम लीडर बनना चाहते हो, क्या तुम नेता बनना चाहते हो, इस तरह की बात शुरू होती है, और वो कहते हैं कि क्या करें हम, हमारी हमें ऊपर से प्रेशर मिला है, पॉलिटिकल प्रेशर मिला है ऊपर से ये परमिशन देने के लिए। तो वो क्यों, वो परमिशन क्यों उनको देना पड़ा, क्योंकि जो कैराना का जो इलेक्शन जो डोमिनेंट है, जो राजपूत डोमिनेंट है, और वहाँ बीजेपी का एक सीट है, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें ये महाराणा जयंती वही नहीं मनाए दिया जाए, तो हम कैराना का जो चुनाव है उसको हम लोग बहिष्कार करें। तो उधर से वो प्रेशर मिला, तो तभी ये परमिशन दिया गया और ये अंजाम गया। दूसरी बात कि एक तो ये है कि पुलिस अपना कथन कह रही है, दूसरा कि डीएम इसका पूरा पूरा जिम्मेदार है, और डीएम को हमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि डीएम को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, एक वो। और दूसरा, हम लोगों को एक चीज और समझ में आई कि जो भीम आर्मी है वहाँ, भीम आर्मी अभी यंग ब्लड है और यंग सोच है उनकी, और वो गहराई तक सोच नहीं है अभी जितना होना चाहिए,
तो उन्हें आगे की रणनीति के लिए एक और समझदारी डेवलप करने की जरूरत है, जहां पर कुछ समझदार व्यक्ति जो बुजुर्ग हो, जो एक्सपीरियंस हो, उनकी गाइडलाइंस में वो चले। एक ये है कि वहां तो बहुत प्रक्रिया ऐसा प्रतिक्रिया मिली है कि वहां के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको नकार देते हैं, उनकी हम नहीं सुनते। तो इस तरह की घटना से हम बच सकते थे। ये है वहां की जो वहां का अनुभव, वहां का रिएक्शन, क्योंकि वहां जो आपके उनके सामने भीम आर्मी का जो कमल वाले के घर के सामने का जो प्रधान है, एक पूर्व प्रधान राजकुमार, तो राजकुमार ने ये बात खुल करके उनके सामने कहा है कि आप लोग हम लोगों को बिल्कुल नकार देते हैं। और जैसे भी वे डीएम के पास गए थे तो डीएम के सामने ही इनको डांटा गया राजकुमार को कि आप इसको कुछ दखल अंदाजी ना करें, आप यहाँ से हट जाओ। गुस्सा हो रहा है, खैर वो परिस्थिति कुछ और होगी, लेकिन इस तरह का एक समझदारी डेवलप करने की हमारे बीच में जरूरत है, जो कि हम लोगों को वो चीज करना होगा, वो एक गाइड देने का एक होगा, और हमें वो चीज सीख लेनी पड़ेगी कि वो दो जो अप्रैल का जो घटना है उस पर भी हम सीखने की जरूरत है कि हम लोगों को उकसा तो देते हैं लेकिन क्या नतीजा होगा उसके बारे में हम तैयार नहीं रहते। तो इसके लिए हमें शायद आगे तैयार होने की करने की बहुत बड़ी जरूरत है, और तभी हम उनकी जो लड़ाई है उसको हम जीत पाएंगे। हमने बोलन देवी की हत्या करी थी, उनका नाम है एफआईआर में। दूसरा है उपदेश राणा, तीसरा है राज सॉरी गणेश या कुछ नाम है। तो चार लोगों का नेमली चार लोगों का है, प्लस और लोगों का भी उसमें जोड़ा गया ऐसा है, और उसमें एफआईआर में जो धारा लगी है 302 लगी है और 325 SC/ST एक्ट लगी है। और उसमें हम हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है उसमें कम से कम 120B भी लगानी चाहिए, क्योंकि एक उसमें बहुत सारे कॉन्स्पिरसी हैं, कितने कंस्पायर, प्लस 34 लगानी IPC की धाराएं हम लगाने की बात।